गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं शशिकांत यादव शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल से आज आप लोगों को कक्षा 9 का द साउंड ऑफ म्यूजिक नामक पाठ को पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे और मैं बीच बीच में आपको मीनिंग भी बताता जाऊंगा, मीनिंग पे भी आप लोग केयर करेंगे। देखिए, कर्सर पे ध्यान देंगे, कर्सर हमारा कहाँ जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, कह रहा है रस हावर क्राउड्स जोशिल फार पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म। बोलता है कि रस में दौड़ भाग, आवर मीन्स घंटों, क्राउड मैंने भीड़, जोशल JOSTLE, ठीक है, संघर्ष करना। पोजीशन मैंने स्थान, अंडरग्राउंड मैंने भूमिगत, ट्रेन मैंने जानते हैं रेलगाड़ी, प्लेटफार्म मीन्स प्लेटफार्म। देखेंगे भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर ज्यादा भीड़ के कारण स्थान पाने के लिए, यानी भीड़ में स्थान पाने के लिए वह क्या कर रही थी, धक्का मुक्की कर रही थी, यानी संघर्ष कर रही थी। ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट मने दुबली पतली, ए स्लाइट गर्ल एक दुबली पतली छोटी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कितने वर्ष की थी, 17 वर्ष की थी, वह अपने उम्र से भी कम दिखाई दे रही थी, यानी 17 वर्ष की उम्र से भी कम दिखाई दे रही थी। वाज नर्वस, ठीक है, नर्वस मीन्स घबराना या निराश होना, ठीक है। तो वह क्या थी, घबराई हुई थी, बेचैन थी, येट एक्साइटेड, फिर भी उत्तेजित थी। एज, क्योंकि सी फेल्ड द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मीन्स कंपन, अप्रोच माने पहुंचना ट्रेन, क्योंकि वह ट्रेन के आने से, यानी आती हुई रेलगाड़ी के कंपन से उत्साहित थी, उत्तेजित थी। फिर कहता है इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। कहता है कि वह, यानी उसका लंदन के प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित या सम्मानित से मतलब है, या प्रख्यात, कहता है लंदन के प्रख्यात रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टेड इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। डॉन्टिंग मीन्स भयमुक्त, भय में रहना या डरना। कह रहा कि वह स्कॉटिश फार्म से आई हुई लड़की काफ़ी डरी हुई थी, टीनेजर की मतलब होता है 13 से लेकर 18 वर्ष के बीच की लड़की या लड़का। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। कहता है कि बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड, लेकिन यह मतलब लड़की म्यूजिशियन संगीतज्ञ, एस्पायरिंग मीन्स अभिलाषा इच्छा, लेकिन यह संगीतज्ञ बनने की अभिलाषा लेकर, इच्छा लेकर एक बड़ा चैलेंज मीन्स चुनौती का सामना कर रही थी, मतलब बड़े से बड़े अधिक लोगों से, मतलब देन मोस्ट दिया है ना, तो अधिक से अधिक लोगों से एक बड़ा, ठीक है, चुनौती का सामना कर रही थी, फेस मैंने सामना करना। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह पूर्णतः, प्रोफाउंडली मैंने पूर्ण रूप से,
क्या थी? बहरी थी, डीप मने बहरा, सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह पूर्ण रूप से बहरी थी। आगे देखेंगे, एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मन धीरे धीरे, कहता है एवलिन ग्लेनी धीरे धीरे अपने श्रवण शक्ति को समाप्त कर चुकी थी, खो चुकी थी, यानी सुनने की क्षमता का ह्रास हो गया था, यानी सुनने की क्षमता समाप्त हो गई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। बोलता है कि हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है कि जब ठीक है, उन्होंने ध्यान दिया कि जब वह 8 वर्ष की थी तो एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, तो एवलिन पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिड नॉट नो, वे उनके नाम को बुलाए, यानी उस लड़की के नाम को बुलाए, लेकिन वह हिली नहीं। फिर कहता है आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने महसूस करना, सडनली मैंने अचानक, सी हैड नॉट हर्ड, मैंने तुरंत महसूस किया कि वह सुनी नहीं है, यानी उसने सुना नहीं है। से इसबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी कहती हैं, ठीक है, फार क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। बोलता है कि लंबे समय तक, फार क्वाइट ए वाइल, लंबे समय तक, यानी काफ़ी समय तक एवलिन अपने दोस्तों और अपने अध्यापकों से अपने बढ़ती हुई बहरेपन को यानी बधिरता को छिपाती रही। बट बाय द टाइम सी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस ऑर्गड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। कहता है कि लेकिन बाय द टाइम, समय के साथ या समय के दौरान, सी वाज 11 हर मार्क, जब वह 11 वर्ष की थी तभी उसके लक्षण, मार्क मैंने लक्षण, डिटेरियोरेटेड मीन्स खराब होना, तभी उसके लक्षण और ख़राब होते गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस ऑर्गड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, और उसकी प्रधानाध्यापिका उसके माता पिता से आग्रह की कि उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाए, ठीक है। बोलता है आगे, इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पायर्ड, यह इट वॉज देन डिस्कवर्ड, खोज करने के बाद या पता करने के बाद, डिस्कवर्ड मैंने खोज कर पता चला कि दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पायर्ड एज ए रिजल्ट, ठीक है, कि उसका करा एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि उसका मतलब सुनने की जो वो होती है, क्या बोलते हैं, स्नायु,
वो क्षति हो चुकी है, मतलब श्रवण यंत्र उसका क्या हो चुका है, पूरी तरह खराब हो चुका है। बोलता है कि दे वेयर एडवाइज दैट सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड। उनको सलाह दी गई या बताया गया कि उसको सुनने का यंत्र लगा दिया जाए, यानी लगवा दिया जाए, जिससे क्या करेगी, वो सुनेगी ना। फिर कहता है कि एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीप, और बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए, बहरों के स्कूल के लिए भेज दिया जाए, जहाँ पे बच्चों को नहीं सुनाई देता, कान से भरे होते हैं उनका, एक स्कूल अलग होता है उसी के बारे में बोलता है। एवरी थिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन ने कहा कि अचानक सब कुछ काला दिखाई देने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने अपना कार्य नहीं छोड़ा, यानी हार नहीं माना, मतलब अपने कार्य पे लगी रही। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। डिटरमाइंड मीन्स निश्चय करना, निश्चित करना। वह एक साधारण जीवन जीने के लिए अपने को क्या किया, निश्चित किया, यानी साधारण जीवन जीने का निश्चय किया। एंड फर्स हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, ठीक है, और बोलता है कि कह रहा पर्स, ठीक है ना, पर्स का मीनिंग देखेंगे क्या लिखा है। क्या है, PURSUE, ठीक है। लगे रहना, चाहे पीछा करना, यही सब होता है, चाहे पाने की कोशिश करना, आगे बढ़ना। कहता है एंड पर्स हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपने संगीत को, यानी अपनी रुचि संगीत में जारी रखने का निश्चय किया, ठीक है। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने ध्यान दिया या ध्यान से देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है, एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और निश्चय किया कि वह भी उसे बजाएगी। और देखा क्या दिया है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड, बहुत से अध्यापक उसे क्या करते थे, हतोत्साहित तो करते थे। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन तबला वादक, परक्यूशनिस्ट मीन्स तबला वादक, उसमें यानी उस लड़की के अंदर एक आशा पाया, यानी धैर्य, पोटेंशियल, POTII होता है ना, POTII, पोटेंशियल है ना, एक मिनट, कहता है कि तबला वादक रॉन फोर्ब्स ने उसके अंदर एक संभावना देखी। फिर बोलता है ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने दो विशाल यानी बड़े ड्रम को अलग अलग तरीकों से क्या किया, ट्यून करना प्रारंभ कर दिया, बजाना प्रारंभ कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर आई ईयर्स, बोलता है कि तुम अपनी कानों से मत सुनो। ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी दूसरे तरीके से क्या करो, सुनने का प्रयास करो, अनुभव करने का प्रयास करो। सेज एवलिन, एवलिन ने कहा,
सडनली आई रियलाइज्ड मतलब महसूस करना, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट अप। कहता कि अचानक मैंने महसूस किया कि मैं अपने कमर के ऊपर से और कमर के नीचे से क्या करती हूँ ऊंचे आवाज़ के ड्रम को महसूस कर सकती हूँ या करती हूँ। एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। और कहता कि हाँ आगे देखेंगे, फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने अभ्यास को दोहराया। एंड सुन एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी ही एवलिन ने खोज कर लिया, पता लगा लिया, ठीक है, क्या पता लगाया, किसी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि अपने शरीर के विभिन्न भागों से उन निश्चित स्वरों को क्या करेगी, महसूस कर लेगी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी द साउंड टू साउंड एंड वाइब्रेशन। कहती कि फिर नीचे भी देखेंगे, द रेस्ट वाज सियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। कहता है कि मैंने अपना मस्तिष्क और शरीर को मैंने अपने मस्तिष्क को और शरीर को संगीत के लिए, आवाज़ के लिए और कंपन के लिए खोल दिया, यानी खुला रखना सीख लिया है। फिर कहता है कि द रेस्ट वाज सियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और शेष मेरा क्या था, पक्का इरादा और कठिन परिश्रम। चौथा पैराग्राफ देखेंगे, सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, वह उस पॉइंट से उस स्थान से पीछे कभी नहीं देखी। सी टर्न्ड टूर्ड, टूर मने यात्रा करना, द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वाज 16। कहता है जब वह 16 वर्ष की थी तो उसने ऑर्केस्ट्रा यूथ के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। फिर बोलता है सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। कहता कि उसने रॉयल एकेडमी में संगीत का ऑडिशन दिया और कहता है कि एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंकों में से एक स्थान को प्राप्त किया। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। कहता है कि वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से यानी कार्य से अपने आप को एकाकी प्रदर्शन की ओर ले गए, मतलब वो अकेले में अब अपना प्रदर्शन करना चाहते थे। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, कहता अपने 3 वर्षों के कोर्स के अंत में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने बहुत ऊंचाइयों वाले पुरस्कारों को प्राप्त किया, नहीं अच्छे उच्च पुरस्कारों को प्राप्त किया। एंड फॉर ऑल दिस,
एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. अचीवमेंट मीन्स क्या होता है? उपलब्धि. और हीरोइक मीन्स नायकत्वी, मतलब नायक हीरोइन. एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करना. कहता है एवलिन, हिंट मैंने क्या होता है? संकेत. कहता है इन सब के लिए एवलिन ने कभी, यानी नायकत्वीय उपलब्धि के लिए एवलिन ने कोई भी हिंट यानी संकेत को कभी स्वीकार नहीं किया था. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग. कहता है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो और जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहीं पहुँच जाओगे. एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और तुम चोटी पर पहुँच जाओगे. द वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंटल एंड हेक्टिक इंटरनेशनल सेट्यू. कहता कि करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त करने के बाद, मास्टरी, ठीक है, दक्षता प्राप्त करने के बाद, और फिर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दौड़ भाग भरे अंतर्राष्ट्रीय वाले दुनिया का सर्वाधिक वांछित तबला वादक ठीक चोटी तक पहुंची. यानी उसने तबला वादक के स्थान को ऊंचा पहुंचाया. यानी जो वादक था उसका, मतलब जो बजाती थी, उसको ऊंचाइयों तक प्राप्त की. फिर बोलता है इट इज़ इंट्रीगुइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग. कहता है कि बिना सुने, इट इज इंट्रीगुइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग. कहता है बिना सुने एवलिन को प्रयास करने के कार्य को देखते हुए बहुत ही प्रसन्नता होती थी, मतलब सभी लोग उत्साहित होते थे. इन आवर टू आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड. हमारे दो घंटे के बस में उसने एक भी शब्द को मिस नहीं किया, यानी भूला नहीं. मेन विथ बुसी वियर्ड गिव मी ट्रबल. कहती है कि जो लोग घनी दाढ़ी वाली होते हैं, ठीक है, यानी घने चेहरे वाले होते हैं, जिनके चेहरे पे ज़्यादा बाल होते हैं ना, उसी को कहता है कि बुसी विस्कर होता है, ठीक है. कहता है झबरीली यानी ज़्यादा कहाँ गया. बुसी वियर्ड मतलब घनी दाढ़ी वाले व्यक्ति मुझे परेशान कर डालते हैं, मुझे उनसे परेशानी होती है. सी लाफ्ड व हंसी. इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. कहता है कि केवल ओठ देखना नहीं होता उनका, बल्कि क्या क्या देखना होता है. इट्स द होल फेस स्पेशली द आई. कहता है बल्कि उनके पूरे चेहरों को देखना पड़ता है, ठीक है, खास तौर से आंखें, मुख्य रूप से आंखें देखना पड़ता. सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट. वह बिना गलती किए हुए स्पष्ट रूप से स्कॉट के लय में बोलती थी. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. बोलती है कि मेरा बोलना अस्पष्ट, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11,
कि मैं जब 11 वर्ष की थी तभी तब क्या करती थी, तब मैं सुन सकती थी, इसलिए मेरा क्या है बोलना क्लियर है स्पष्ट। फिर कहता है बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानी। कहती है कि बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन कि यह व्याख्या कैसे करें या व्याख्या नहीं हो पाती या यह समझ में नहीं आता कि वह फ्रेंच और जापानी बेसिक जापानी कैसे सीखी, ठीक है, प्राथमिक जापानी कैसे सीखी, यानी उसका मैनेज कैसे करनी थी। आगे देखेंगे एज फार म्यूजिक, म्यूजिक के लिए यानी जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन वह व्याख्या करती है, वह स्पष्ट करती है, बताती है इट पावर्स उड़ेलना, ठीक है, पावर्स में उड़ना इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो वो क्या करता है, वो संगीत जो है मेरे पूरे शरीर में प्रवेश करता है यानी मेरे शरीर से गुजरता है, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। कहता है कि वह यानी यह संगीत को बताती है कि मेरे त्वचा पर, मेरे गाल के हड्डियों पर और प्राय मेरे बालों तक क्या करता है, झंझनाहट पैदा करता है। टिंगल, टिंगल्स मीन झंझनाहट पैदा कर। वेन सी प्लेस द जाइलोफोन जब वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। तो क्या क्या बोलता है कि जब वह जाइलोफोन बजाती है वह अपने सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप स्टिक इन टू द हर फिंगर टिप्स, वह अपने शरीर के नहीं देखेंगे तो वह छड़ी से उसकी अंगुलियों के पोरों तक क्या करती है, उससे गुजरती हुई ध्वनि को जो ड्रम बजाते समय ध्वनि निकलती है उसको महसूस करती थी। फिर बोलता है कि बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, कहता है कि ड्रम पर झुककर यानी झुके हुए ड्रम पर झुककर क्या कहते हैं, सी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। वह अपने शरीर पर क्या करती है, गुंजन को महसूस करती है, अनुभूत करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर चबूतरे पर वह अपने जूतों को निकाल देती है, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग, इसलिए कि जो कंपन है उसके नंगे पैरों से और टांगों से गुजरे, टांगों पर से होकर गुजरे। आगे देखेंगे नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, नॉट सरप्राइजिंग कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंस को आनंद देती थी, मतलब आनंदित करती थी। इन 1991 सी वाज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। कहती है कि 1991 में उसे फिलहारमोनिक सोसाइटी का उसे एकल सोलोइस्ट मैंने एकल तबला वादक का पुरस्कार दिया गया। कहता है सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, कुशल तबला वादक जेम्स ब्लेड्स ने कहा गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, ठीक है। कहता है भगवान ने उसके सुनने की क्षमता को क्या कर दिया है, छीन लिया है, बट लेकिन
ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसके पीछे यानी उसके बदले में उसे बहुत ही कुछ असाधारण दिया है। वाट वी हियर, हम क्या सुनते हैं, सी फील्स, यानी हम जो लोग सुनते हैं सी फील्स वह महसूस करती है। फिर कहता है फार मोर डीपली देन एनी आफस, कहता है हम में से किसी से भी अधिक गहराई से। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, कहता है कि दैट इज वाई, क्योंकि वह संगीत को इतना सुंदरता से व्यक्त करती, एक्सप्रेस मैंने व्यक्त करना। नीचे पैराग्राफ देखेंगे, एवलिन कॉन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। एवलिन क्या करती है, स्वीकारती है कि मैं अपने काम में डूबी रहती हूँ। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस कार्य करना है, मैं काम करती रहूँगी। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, मुझे शास्त्रीय संगीतों से अक्सर शास्त्रीय संगीतों संगीतज्ञों से भी अधिक मेहनत करना है। फिर बोलता है कि बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन पुरस्कार अधिक है। इनॉर्मस मैंने अधिक, रिवार्ड मैंने पुरस्कार, लेकिन पुरस्कार अधिक हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, ठीक है, नियमित प्रदर्शनों से अलग। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, कहता है एवलिन बंदी गृहों में यानी जेलों में और अस्पतालों में मुफ्त संगीत सुनाया करती थी, ठीक है। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वह युवा मतलब नौजवान संगीतज्ञों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती थी, ठीक है। अनरिचलिन ऑफ द बिट ओवेन फंड फॉर डीप चिलेंसेस, कहता है कि बधिर बालकों के लिए यानी जो बहरे लड़के हैं उनके लिए बीथोवेन की अनरिचलिन बोलती हैं, कहती हैं बच्चों के लिए, कहती हैं सी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीप चिल्ड्रेन, यह बहरे बच्चों के लिए क्या है, एक प्रेरणा है, चमचमाती हुई जगमगाती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट दियर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ठीक है, वे जानते हैं कि दियर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि उनको अब कहीं जाने का स्थान नहीं है, उनको अन्य कहीं जगह जाने का स्थान नहीं है। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, कहता है कि एवलिन ग्लेनी अपने उम्र से दोगुने, ठीक है, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, कहता है अपने उम्र के दोगुने से लोगों से कहीं अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुकी थी, ठीक है। सी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वह तबला वादन को, परक्यूशन मीन्स तबला वादन, कहता कि वह तबला वादन को अपने ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आई। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और कहता है और
यह प्रदर्शित कर चुकी है कि वह बहुत मर्म स्पर्शी हो सकता है। तबला वादन बहुत ही मर्म स्पर्शी हो सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप। वह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो क्या है, हैंडीकैप है, विकलांग है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसको देखते हैं और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, इफ़ सी कैन डू इट, यदि वह ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और अंत में क्या बोलता है, सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियन, ठीक है, कि और यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि सी वॉज गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियंस, कि वह लाखों लोगों को आनंद देती है, प्रसन्नता देती है, खुशी देती है। धन्यवाद। आज का लेसन यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगला लेसन लेके तैयार होंगे। नमस्कार।